So let us discuss this question. So in this question, अब ये फॉर्मूला आपके पास F is equal to G M1 M2 by R square. हमें G का डायमेंशनल इक्वेशन निकालना है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है डायमेंशनल इक्वेशन. तो आप पहले स्टेप क्या करो, तो रीअरेंज कर लो. यू रीअरेंज इट तो ये क्या हो जाएगा, आप ही नहीं डिपेंड कर. तो G इज इक्वल टू क्या होगा, ये R square यहाँ मास नीचे लो, रीअरेंज कर सकते हैं आप. राइट राइट वेरी इजी. तो वो हो गया एक्स आर स्क्वायर बाय एम वन एम टू. ठीक है, अब इसके बाद आपको चाहिए जी का डायमेंशनल इक्वेशन, मतलब फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन आर का और मास एम वन और एम टू का. अभी फोर्स का क्या होगा और आर क्या डिस्टेंस, मतलब लेंथ एल रेज टू टू एम वन, मतलब अभी एम वन हो या एम टू हो दोनों मास है, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा एम रेज टू वन, एम रेज टू वन, तो एम रेज टू टू हो जाएगा नीचे. अब इससे आप निकाल दो तो ये ऊपर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एम रेज टू माइनस वन, एल रेज टू थ्री, ई रेज टू माइनस टू. समझ में आया, कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल. तो लेट अस रीअरेंज दिस. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाएंगे, ऑलराइट, और फोर्स को नीचे लेके आएंगे. तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ, नीचे आएगा ना. तो ऊपर क्या है, क्यू वन क्यू टू, नीचे क्या आएगा फोर बाई एफ, करेक्ट. समझ में आया, इसमें समझने कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ रीअरेंज के. अभी हमें इसका डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशनल इक्वेशन एप्सिलॉन नॉट का निकालना है. एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, और चार्ज का क्यू वन और क्यू टू का फोर पाई इज डायमेंशन लेस, उसको हटा के हम क्या डालेंगे वन, और फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन और आर स्क्वायर का. तो लेट अस पुट ऑल दी वैल्यूज. तो चार्ज का क्या होगा, ए वन बी वन, लेकिन दो बार है चार्ज, यू अंडरस्टैंड. अभी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नहीं सर ये क्यू वन है ना, इसका होगा ए वन टी वन वन वन, इसका होगा ए टू टी टू वन वन. ऐसा नहीं है, चार्ज क्यू वन हो या चार्ज क्यू टू हो, दोनों क्या है, दोनों चार्ज है, दोनों का डायमेंशन क्या आएगा सेम. दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो एक ही आने वाला है, इट विल नॉट बी डिफरेंट. समझ में आ रहा है, ठीक है. तो ये डाल दिया भाई, ये स्क्वायर हो गया, दो बार आएगा, ये सब मत कर देना, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना. अब डिवाइड बाई फोर पाई का क्या हुआ वन, फोर्स का ऐसा याद रखो, और आर का एल प्लस टू टू. अब निकाल रहा है सर, अब आएगा देखो एम ऊपर जाएगा, एम कहाँ कहाँ पे, एम सी एक जगह पे, तो डायरेक्टली तो एम रेस्ट माइनस वन. अच्छा एल कहाँ पे, एल यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, एल रेस्ट थ्री ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा. अच्छा एम एल हो गया, अब टी पे आ जाओ, ये टी रेस्ट माइनस टू और टी रेस्ट टू फोर, टी रेस्ट फोर और ए रेस्ट टू. ये हुआ आंसर, ये क्या है, ये है डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट. समझ में आया, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट है ये. तो बताइए आपका डाउट क्या है. तो देखो आप, तो यहाँ पे ये जो है एफ, दिस इज लिक्विड फ्रिक्शन डिस्कस राइट, ये सिक्स पाई क्या है, इट इज जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर. ये आर क्या है, आर है रेडियस, आर है रेडियस ऑफ द स्फीयर, पर ठीक है यू टेक इट रेडियस. ये ईटा क्या है, इसको ईटा बोलते हैं, ये क्या है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये वी क्या है, ये वी है वेलोसिटी. तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन निकालना है. निकालो वेलोसिटी ना मीटर पर सेकेंड. चलो देखो यहाँ पे, तो आप पहले रीअरेंज कर लो, तो आपको ईटा क्या होगा,
तो फोर्स डिवाइड बाय सिक्स पाई आर बी है ना, ये सिक्स पाई वहां गया, आर वहां गया, बी वहां गया, तो एफ डिवाइडेड बाय सिक्स पाई आर बी। अब आप डाल दो इसमें डाइमेंशनल इक्वेशन, तो फोर्स का डाइमेंशन क्या होगा, एल वन टी माइनस टू, सिक्स पाई इज द नंबर सो वन, कुछ नहीं होगा ठीक है। अब रहा आर, आर का क्या होगा, एल रेस टू वन, टी का क्या होगा, एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन। अभी ये एल रेस टू वन ये तो हटा दो, तो बचा क्या आपके पास, ये बचा एम का सिर्फ एक ही है टर्म, सिर्फ टर्म एम रेस टू वन, तो वो आ जाएगा एम रेस टू वन, और एल ये कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ एल रेस टू वन ऊपर जाके एल रेस टू माइनस वन, और ये जो टी है ये माइनस टू वन ऐड होगा टी रेस टू माइनस वन, ये समझ में आपको। तो ये हो गया इंटीग्रल, तो थोड़ा केयर भी करना है, ये बहुत आसान है लेकिन आपको उसमें क्या रहना है, अलर्ट रहना है। तो यहाँ पे ये जो F है इट्स अ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज, दिस इज चार्ज, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज दिस, जैसे साइन 30 कितना होता है, हाफ साइन 45 वन बाई टू, तो ऐसे ही साइन थीटा इज ऑलवेज अ नंबर, साइन थीटा विल ऑलवेज गिव अ नंबर, सो दिस इज अ प्योर नंबर, दिस इज जस्ट अ प्योर नंबर। सो नाउ फ्रॉम हियर यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो करिए अभी आप इसको, यहाँ पे ये जो आ गया आपको, फिर इसका पहला स्टेप क्या, रीअरेंज कर लो, तो रीअरेंज करके आप लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी ये B जो है, ये क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू F बाई क्यू वी साइन थीटा, और फिर आप चालू कर दो कि भैया B का डायमेंशन, यानी F का डायमेंशन डालो, तो पहले एम वन एल वन टी माइनस टू चार्ज का डालूंगा ए वन टी वन, क्योंकि चार्ज का करंट इन टाइम, ठीक है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो एल वन टी माइनस वन। कभी भी हो सकता है कि आप बोलो मुंह में मीटर पर सेकेंड और आप लिखो मीटर पर सेकेंड, ये हो सकता है, समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने पहले लेक्चर बोला था कि ये मास और मीटर ये लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। अरे मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, तो क्या लिखोगे, एल वन टी माइनस वन, समझ में आया, गड़बड़ मत करो, देखो दिमाग में एकदम कॉन्क्रीट आइडिया रखो, कॉन्क्रीट, ऐसे कैसे डॉक्टर बन जाओगे, आएगा डायबिटीज का इलाज कराने, कर दोगे तुम उसका क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर का इलाज, कंफ्यूज हो जाओगे, पता होना चाहिए डायबिटीज का तो क्या करना है और ब्लड प्रेशर को क्या करना है, लेकिन नहीं क्लियर होना चाहिए, तो मीटर है तो एल ही आना चाहिए, ये कंफ्यूज हो सकते हैं आप, डोंट टेक ना, यू कैन नॉट टेक सच रिस्क, बी वेरी फिक्स्ड। तो यहाँ से सॉल्व करो और साइन थीटा कितना होगा, वन, क्या आएगा आंसर, एम वन, हाँ मास एक ही जगह पे, तो एम वन, एल यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, वो तो कैंसिल हो गया, तो एल रेशू जीरो, टाइम यहाँ पे और यहाँ पे, और ये कैंसिल हो गया, तो टी रेशू और एक एम्पियर एक ही बार है, तो ए रेशू माइनस वन, ये आ गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया सबको ये, ठीक है, ओके। इस सवाल में जो है ये डीवी, दिस इज एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड, यानी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, वो डी मतलब डेरिवेटिव, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो डीवी मतलब स्मॉल, अब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो या लार्ज मैग्नेटिक फील्ड हो, है तो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पूरा का पूरा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये जो म्यू नॉट है, अच्छा म्यू नॉट मतलब कैसा है, आप यू लिखो और ये लाइन लंबा करो, तो यू लाइन लंबा तो म्यू, समझ में आ गया, यू का लाइन लंबा करते क्या हो गया, हो म्यू, ऐसा कुछ है, तो ये जो म्यू नॉट है इसको कहते हैं परमियाबिलिटी। अब ये क्या होता है ये बाद में आपको बताया जाएगा 12th स्टैंडर्ड में, तो परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम, किसी मीडियम में जब मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करता है या मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो वो मीडियम जो है
मैग्नेटिक फील्ड को अपने थ्रू अलाउ करते हैं, तो उस अलाउंस को हम लोग बोलते हैं परमियाबिलिटी, टेक्निकल टर्म, बट मैंने नाम लिख दिया, इसी का डायमेंशन निकाला है, ठीक है। अच्छा ये आई क्या है, आई है करंट जो आप पढ़ के आते हैं। अब ये डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ, एल क्या है लेंथ, तो डीएल क्या है एलिमेंट्री लेंथ, तो ये है स्मॉल लेंथ। और स्मॉल लेंथ हो या लार्ज लेंथ हो या कुछ भी हो, वो है तो लेंथ, ओके। ये साइन थीटा, ये क्या है, इट्स अ प्योर नंबर। 4 पाई क्या है, इट्स अ प्योर नंबर। और आर क्या है, इट्स डिस्टेंस। और सवाल क्या है, सवाल ये है कि फाइंड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ म्यू नॉट, सवाल ये, चलो बता दो। तो यहाँ पे अभी फिर से हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से म्यू नॉट वो हो जाएगा, तो ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वो हो जाएगा डी वी इंटू 4 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई डी एल साइन थीटा। अब डायमेंशनल इक्वेशन डालो फटाफट, म्यू नॉट, अभी डी वी यानी मैग्नेटिक फील्ड उसका अभी निकाला हम लोगों ने, क्या है दोस्तों, एम रेस टू 1, एल रेस टू 0, और फिर आगे टी का क्या डालना, माइनस टू, ए रेस टू माइनस 1, डी वी 4 पाई का कुछ नहीं होगा, तो वो नंबर है आर का, एल रेस टू 2, नीचे ये करंट है तो एम्पियर, ए रेस टू 1, और लेंथ का एल रेस टू 1। अब इसको आप सॉल्व करो, तो मास से एक जगह है और ये भी कुछ नहीं होगा, राइट, तो प्योर नंबर है, तो ये हो जाएगा एम रेस टू 1, एल रेस टू, अब ये देखो ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, ये होगा एल रेस टू 1, क्या होगा, ये ऑलरेडी एल रेस टू 2 है ना, और ये एल रेस टू 1 है, तो जाके क्या होगा ऊपर 1 हो जाएगा। उसके बाद टी, टी ए की जगह पे तो टी रेस टू माइनस 2, और ये ए ऊपर जाके हो जाएगा ए रेस टू माइनस 2, ये आंसर आएगा। कितने लोगों का आंसर आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, कितने लोगों को नहीं समझ में आया अभी भी, बाकी सबको आ रहा है ना, राइट, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया सॉल्व, ठीक है, क्लियर है आपको।